नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल रख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो कंपनी से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। पहला जो कंपनी दोस्तों आपका टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड और दूसरा जो कंपनी दोस्तों आपका बोल्टस इंडिया लिमिटेड जो कि टाटा का ही प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छी इन दोनों वैकेंसी दोनों कंपनी से रिक्वायरमेंट आया है। चाहे आपने IT की हो या डिप्लोमा की है या आपने BBTEC की है, सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, वीडियो के एंड तक, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दो कंपनियों से रिक्वायरमेंट आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोनों कंपनियों का नोटिफिकेशन एक ही वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला जो कंपनी दोस्तों आपका वोल्टास की तरफ से आया है, ठीक है। तो वोल्टास कंपनी का जो वैकेंसीज है एज ए ITI कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू एज रहेंगे, जो कि ITI सतपुड़ा ITI मांझापुर महाराष्ट्र MP में स्थित है, वहाँ पर जाके आपको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू होगा, ठीक है। ओपन कैंपस ड्राइव है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं जो है कैंपस में। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, कंपनी यहाँ पर वोल्टास है जो कि टाटा का ही कंपनी है, टाटा स्ट्राइव सपोर्ट बाय, ठीक है। और यहाँ पर फील्ड टेक्नीशियन एयर कंडीशनर कोर्सेज की जो है जो भी कैंडिडेट पास आउट हैं वो सारे इसमें एलिजिबल होंगे। हालांकि ITI किसी भी ट्रेड से किए हैं आप जा सकते हैं, ठीक ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 10th या 12th हो या ITI ऑल ट्रेड पास आउट स्टूडेंट, ठीक है। तो किसी भी ट्रेड से आपने ITI पास आउट हो या 10th या 12th पास है तो भी जा सकते हैं। और यहाँ पर जो वर्क इंटरव्यू की अगर लोकेशन की बात करें तो सतपुड़ा प्राइवेट ITI CII स्किल ट्रेनिंग सेंटर छिंदवाड़ा MP, ठीक है। तो ये इसका एड्रेस है, इसी जगह पर आपको जाके इंटरव्यू देना है। कैंपस के लिए जो डेट दिया दोस्तों, यहाँ पर डेट दे सकते हो 26 नवंबर को होगा जो कि मंगलवार, और इसका कैंपस स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे से, ठीक है। और मेल और फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, तो आपने जो है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th या 12th या आपने ITI किसी भी ट्रेड से पास आउट हो जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। देखिए आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले आपको 4 मंथ का अजर ट्रेनिंग होगा, फ्री ट्रेनिंग होगा, इसके लिए कोई भी आपसे चार्जेस नहीं पे की जाएगी और फूड एकोमोडेशन भी रहेगा, ठीक है। फ्री फॉर SC ST एंड गर्ल्स ओनली पे एबल फॉर जनरल कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो फूड और अकोमोडेशन यानी कि रहने के अगर रूम की अगर बात करें तो SC ST हैं और गर्ल्स हैं तो आपको फ्री अकोमोडेशन रहेगा, और आप अगर जनरल कैंडिडेट्स हैं तो अकोमोडेशन का जो भी चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। सैलरी की अगर बात करें तो 12,500 से लेकर 18,500 तक रहेगा, ठीक है। यानी अगर जनरली बात करें तो 10th 12th का सैलरी आपका 12,500 रहेगा, और आपने अगर ITI पास आउट हैं तो आपको 18,500 तक भी सैलरी रहेगा रहेगा, ठीक है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो भोपाल, इंदौर, नागपुर, रायपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सागर, इनमें से कहीं पर भी आपका जो जॉब लोकेशन रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर सीट हालांकि कम है, 40 सीट यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ठीक है। 40 रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। एज की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल तक कैंडिडेट जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आपके अगर मिनिमम 18 साल हो गए हैं और मैक्सिमम आपके 30 साल है तो इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो आप इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं तो आपके पास ओरिजिनल फोटोकॉपी होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे, और साथ ही एक आपका रिज्यूम होना चाहिए और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड और फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, ठीक है। लाल बर्रा रोड मांझापुर गरगा बालाघाट MP, ये इसका ऑफिशियल एड्रेस है। और इस जगह पर पहुंचने में अगर कोई आपको इश्यूज होता आता है तो यहाँ पर 3 कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इनको फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही आप इनको कॉल करें, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे आप इस एड्रेस पर कैसे आपको आना है, ठीक है। तो सारा डिटेल्स दोस्तों बता दिया है। चलिए आप दूसरी वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं जो कि टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग की तरफ से आया है। तो ये रहा दोस्तों इसका ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन, और ये वैकेंसी दोस्तों आपका टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग की तरफ से आया है, ठीक है। और इसका वॉक इंटरव्यू होगा दोस्तों, 2 दिन इंटरव्यू चलेगा, 23 नवंबर और 24 नवंबर, यानी कि सैटरडे और संडे 2 दिन इसका इंटरव्यू चलेगा, ठीक है।
इनवाइटिंग इंजीनियर्स एक्सपीरियंस रेंज, कम से कम दोस्तों आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुल टाइम आपका बी, या आपने बीटेक किए हैं या एमटेक किए हैं, ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। देखिए यहाँ पर पोस्टिंग क्या क्या पोस्ट क्या क्या रहेगा, प्लानिंग इंजीनियर की रहेगा, इसके लिए आपका बी और बीटेक सिविल और मैकेनिकल से रहना चाहिए। और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेगा यहाँ पर, जैसे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, बिलिंग एंड क्वांटिटी, सर्वे वगैरह रहेगा। तो आप प्लानिंग इंजीनियर की जो भी वर्क होता है यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की है, इसमें आपका बी और बीटेक सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी क्या क्या आपका जॉब प्रोफाइल्स रहेगा, क्या क्या वर्क रहेगा, ये सारा डिटेल्स आप यहाँ पर एज अ रीड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों MEP इंजीनियर की रहेगा, इसके लिए आपका बी और बीटेक मैकेनिकल से रहना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेगा यहाँ पर एज अ रीड कर सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए दोस्तों बी और बीटेक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, या आपने डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी वगैरह से किए हैं तो भी आप इसमें इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों आपका बिलिंग इंजीनियर के लिए है, और इसके लिए आपका दोस्तों बी और बीटेक सिविल से रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजर की है, और इसके लिए आपका बी और बीटेक सिविल और मैकेनिकल से रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका QA और QC इंजीनियर के लिए है, और इसके लिए आपका बी और बीटेक सिविल और मैकेनिकल से रहनी चाहिए। स्टोर उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका स्टोर मैनेजर की है, और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखे हो तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अगर वेन्यू की मैं अगर बात करूँ, सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलिकॉन हिल्स पटिया भुवनेश्वर में होगा, ठीक है, उड़ीसा। तो आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों आपका भुवनेश्वर में, ठीक है। तो आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और इसी तरह से जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज़ जॉब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने साथियों को भी जरूर शेयर करें वीडियो को। फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।